एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ये फर्स्ट लाइन जब टाइप करेंगे, मतलब जावा कंपाइल करने के टाइम, उस वक्त अगर आपको कोई एरर आता है, जावा सी इज नॉट ए इंटरनल कमांड, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कंप्यूटर में पाथ सेट करना पड़ेगा। कौन सा पाथ? तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि सबसे पहले अगर आपके सी ड्राइव में जहाँ पे जावा इंस्टॉल है, ठीक है, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, वहाँ पे जावा और यहाँ पे जेडीके, मीन्स जहाँ पे आपका बिन फोल्डर है उस पाथ को आपको कॉपी करना है, क्लियर। और क्या करना है, यहाँ पे अगर माई कंप्यूटर है उसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में है एडवांस सिस्टम सेटिंग, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो देखो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसमें होगा एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है, एनवायरनमेंट वेरिएबल के ऊपर क्लिक करना है। फिर उसमें यहाँ पे एक पाथ वेरिएबल होगा, वो पाथ वेरिएबल आपको एडिट करके यहाँ पे जावा का पाथ पेस्ट करना है आपको, क्लियर, और फिर ओके। सेम उसी तरह यहाँ पे भी पाथ ऑप्शन होगा सिस्टम वेरिएबल में, वो भी आपको एडिट करना है और फिर ओके, क्लियर। इसी तरह से आप वो एरर रिमूव कर सकते हैं, फिर आपको कमांड प्रॉम्प्ट एग्जिट करके फिर से रिस्टार्ट करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और आने वाले वीडियो की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।